तो सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक के बारे में गाइस। टिकटॉक की रेटिंग 4.4 हो चुकी है, आप सभी को पता होगा टिकटॉक की रेटिंग 1.2 तक पहुंच गई थी लेकिन वापस से 4.4 हो चुकी है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर जो है वो फेक रिव्यूज़ एंड स्पैम रिव्यूज़ सभी को डिलीट करता है। तो गूगल प्ले स्टोर ने अभी टिकटॉक के अराउंड 7 या 8 मिलियन रिव्यूज़ डिलीट किए हैं, उसके बाद टिकटॉक की रेटिंग वापस से 4.4 हो गई है। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ जो कि आ रही है रिवॉल्वर रानी की तरफ से। गाइस रिसेंटली रिवॉल्वर रानी ने साइबर सेल में कंप्लेंट की है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। एज बीइंग अ वीडियो क्रिएटर आई मेक वीडियो ऑन डेली बेसिस रिगार्डिंग माय प्रमोशन एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट आफ्टर द डिबेट क्रिएटेड ऑन टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब मैनी पीपल हैव बीन टेकिंग द टॉपिक एंड हैव स्टार्टेड कमेंटिंग वल्गर कमेंट्स एज वेल आई डू रिसीव सम मेल ऑन डेली बेसिस वुड रिक्वेस्ट द साइबर सेल टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच अकाउंट एज इट लाइज अंडर सेक्शन 149 अकॉर्डिंग टू द साइबर एक्ट। तो उन्होंने साइबर सेल में कंप्लेंट कर दिया है, जैसे कि गंदे कमेंट्स एंड डीएम्स एंड मेल्स रिसीव कर रहे हैं वो डेली उसी के बेस पर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भुवन बाम की तरफ से। तो जैसा मैंने आपको बताया था भुवन बाम की जो लेटेस्ट वीडियो आई थी तीतू टॉक्स एपिसोड 3, उससे जितनी भी अर्निंग जितना भी पैसा आने वाला था वो सब वो डोनेट करने वाले थे। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने उस वीडियो से एक दिन में जितना पैसा कमाया वो सब डोनेट किया है। तो इस बारे में भुवन बाम ने क्या कहा आइए देखते हैं। बहुत अच्छी और एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करनी है आप लोगों के साथ। कल का जो एपिसोड था टीटू टॉक्स एपिसोड 3 लाइफलाइंस ऑफ सोसाइटी, उसके बाद हेमकुंट फाउंडेशन को बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस और बहुत अच्छी डोनेशंस आई हैं और उन्होंने केवल एक दिन के अंदर 15,000 आइसक्रीम्स दी हैं बच्चों को, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है, 45-46 है आज, एंड 16,000 ओआरएस ड्रिंक्स दिए हैं। एंड ये सब ओआरएस ड्रिंक्स और आइसक्रीम ये वहाँ दिए हैं जहाँ पे माइग्रेंट होल्डिंग एरियाज हैं। एंड उसके अलावा इन्होंने 8,000 लोगों को सैंडविचेस दिए हैं। ये सिर्फ एक दिन की वीडियो का रिस्पांस है। आप सोचिए अगर रोज़ ऐसा रिस्पांस आएगा तो हम लोग कितनों की मदद कर सकते हैं, हम लोग कितनों की हेल्प कर सकते हैं। और हम कहते हैं हमारे हाथ में ताकत नहीं है, सबसे ताकतवर हम ही लोग हैं और मदद करनी चाहिए। एंड ऑल्सो गाइस भुवन बाम की इस वीडियो को ऋतिक रोशन सर ने भी शेयर किया है अपने ट्विटर पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा बी काइंड नॉट बिकॉज ऑफ हु दे आर और व्हाट यू गेट इन रिटर्न बट बिकॉज ऑफ हु यू आर, थैंक यू फॉर दिस। तो ऋतिक रोशन सर ने भी भुवन बाम के इस एपिसोड को इस वीडियो को अप्रिशिएट किया एंड हम सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस वीडियो में, एक काफ़ी अच्छी अवेयरनेस है हम सभी के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू भुवन बाम, इतने बड़े एक्टर ने उनको सपोर्ट किया एंड शेयर किया। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ गाइस जो कि आ रही है राउंड टू हेल की तरफ से। तो आप सभी को वेट होगा राउंड टू हेल की वीडियो का, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो मैं आपको बता दूं राउंड टू हेल ने स्टोरी में कहा था हाँ आ रही है डोंट वरी, तो जल्दी राउंड टू हेल की वीडियो भी आने वाली है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं आवेश दरबार के बारे में। तो गाइस आवेश दरबार की एक पोस्ट पर एक बंदे ने कमेंट किया था रमज़ान ख़त्म हो गए आ गए अपनी लाइन पर। आवेश दरबार ने रिप्लाई किया बाप के पैसों पर रहूं तुम्हारी तरह फ़ोटो खींचूं घर पर पड़ा रहूं बताओ तो सही। फिर एक बंदे ने कमेंट किया कैरी के साथ ट्राई करो। आवेश दरबार ने रिप्लाई किया क्यों कैरी आके मेरा घर चलाता है या तेरा घर चलाता है, कितने साल का है, साइज बढ़ रहा है पर दिमाग नहीं, बड़ा हो जा थोड़ा, कैरी के आगे भी दुनिया है, अपना काम करो और दूसरों को भी करने दो। एक बंदे ने कमेंट किया फुल मूड में हो सर। आवेश दरबार ने रिप्लाई किया कभी 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 करना पड़ता है, इनको लगता है कुछ भी बोल सकते हैं किसी की भी कमेंट पर, जब इनके पेज पर हेट आएगा ना बिना कुछ गलत करे तब शायद इनको हमारी फीलिंग समझ आएगी। एक बंदे ने कमेंट किया बैड कमेंट्स के पीछे भी कोई रीज़न होता है, एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आवेश दरबार ने रिप्लाई किया कैरी भाई का वीडियो ना मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद आया था, अगर नहीं पता तो जाकर पता कर लो, मेरी लड़ाई कैरी से नहीं जो लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे उनके ऊपर थी, मैंने मेरे वीडियो में अगर एक बार भी किसी का नाम लिया हो तो मैं मेरे वीडियो के साथ अकाउंट भी डिलीट कर दूंगा, मुझे किसी को नीचा दिखाना पसंद नहीं है सर, गेट योर फैक्ट्स राइट, टेक केयर। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम स्टे सेफ़।